गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्लाजो के बारे में बताएंगे कि प्लाजो का जो पोंचा है वो ऊपर की तरफ क्यों खींचता है। ये 2.5 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, तो अब हम कटिंग करेंगे इसकी। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कपड़े को मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। प्लाजो की कटिंग करने के लिए कपड़ा हमारे पास 4 लेयर में फोल्ड होना चाहिए। पहले ये सिंगल कपड़ा था और सिंगल कपड़े को फिर मैंने डबल किया और फिर एक बार फिर डबल किया, क्योंकि प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमारे पास कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड होना चाहिए। प्लाजो की जो लेंथ तैयार है वो 35 है, आसन 14 इंच तैयार है, हिप 44 है और पोंचा 14 इंच है। तो अब हम 2.5 इंच ऊपर से लेंगे, यहाँ हम लास्टिक डालेंगे। अब इस निशान को हमने सीधा कर देना है। अब हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। प्लाजो की लेंथ जो तैयार है वो 35 है, तो 35 लेंगे हम। इधर से भी 35 पे निशान लगाएंगे और यहाँ हम 1.5 इंच फोल्ड के लिए लेंगे। जो पोंचे में नीचे फोल्ड होएगा आप 2 इंच भी ले सकते हो। अब इन निशानों को हमने सीधा कर देना है। अब जो प्लाजो की कटिंग होती है वो हिप के साइज के हिसाब की होती है। जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हमने चौथाई लेना होता है, तो इसकी हिप 44 है तो 44 का चौथाई 11 आएगा। तीन इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो लूजिंग में आएगा। अब जो आसन है वो भी हमने हिप के साइज के हिसाब का लेना है। हिप 11 है तो 11 यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये टोटल 14.5 इंच हो गया। इस निशान को हमने सीधा करना है और यहाँ से हम 3 इंच और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमने हल्की सी गुलाई देनी है। जब आप गहराई में गुलाई देते हो तब पोंचा ऊपर की तरफ खींचता है, तो हमने हल्की सी गुलाई देनी है, बिल्कुल हल्की। यहां से हमने 1 इंच लेना है और यहां से हमने 2 इंच, यहां से 2 इंच, 2 इंच से हमने इस गुलाई की शुरुआत करनी है और यहां बीच में से हमने 1.25 इंच लेना है। अब जो पोंचा है वो तैयार 14 इंच है, 14 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई में आएगा। यहाँ से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई में आएगा। तो इस तरह का ये शेपर है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इससे हमने गुलाई देनी है, बिल्कुल हल्की हल्की हमने गुलाई देनी है। अगर आप जहाँ से इस तरह गहरी गुलाई देते हो, इस तरह गहरी गुलाई देते हो, तो ये जो पोंचा है वो ऊपर की तरफ खींचता है, और यहाँ से भी अगर आप गहरी गुलाई दे देते हो तो पोंचा जो है वो ऊपर की
तरफ खींचता है। तो हमने इसकी जो गोलाई है वो गहराई में नहीं करनी, बिल्कुल हल्की हल्की हमें इसकी तिरछी शेप देनी है। अगर इस तरह आप कटिंग करते हो तो आपका जो प्लाजो का पोंचा है वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा। अब हमने 1 इंच यहाँ आसन पे नीचे डाउन करना है और इस निशान को हमने यहाँ नोक पे मिलाना है। तो अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे हमने कटिंग करनी है। ये हमारा कटिंग का निशान है और ये जो है हमारा स्टिचिंग का निशान है। अब ये जो 2 लेयर है इसको हमने उठाकर इसकी कटिंग करनी है। हमने सिर्फ 2 लेयर की कटिंग करनी है। ये प्लाजो की फ्रंट साइड होगी ताकि प्लाजो डालने में भी आसानी रहती है। अगर आप इस तरह की कटिंग करते हैं तो आपका प्लाजो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।